अरे लड़कियों, जल्दी आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। अम्मी बस दो मिनट। तुम्हारी वजह से ना हमेशा मैं भी कॉलेज के लिए लेट हो जाती हूँ। समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं टाइम से उठती। अम्मी जान देख रही ना लड़कियों का हाल, मजाले जो सुबह जल्दी उठ जाए। अरे बच्चियों, यूनिवर्सिटी जा रही हो या किसी शादी ब्याह में, तैयारी है कि खत्म होने में नहीं आ रही। दादी की जबान कैसे करेले जैसी है, कड़वी। लेकिन उनके दिल में दुआओं का जखीरा भी तो है, जो बगैर मांगी देती रहती है। अच्छा चलो इससे पहले वो लेक्चर शुरू कर दें। फिलोसोफर जी हाँ, आज शाम को फेरा लगाएंगे इंशाल्लाह। आज शाइना और नादिर भी होंगे मेरे साथ। अरे नहीं नहीं अम्मा, कहाँ जरीन को तकलीफ देंगी आप, हम खाना ना खा के आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें। अरे अच्छा आप, ओह आप नाराज तो ना हो, चलिए हम आपके साथ आए खाना खाएंगे, ठीक है। खुदा हाफिज़। अम्मा यहाँ से चली तो गई हैं, लेकिन उनका दिल यहीं पे लगा हुआ है। हाँ अम्मा के होने से कितनी रौनक और बरकत थी इस घर में। असलम के जाने के बाद तो इस घर का शिराज़ा ही भर गया। सही कह रहे हैं, असलम भाई की अचानक मौत ने तो हालात ही बदल दिए। सरीन और बच्चियों का और अम्मा का कितना बुरा हाल है। अम्मा तो बिल्कुल ढहके रह गई है जवान बेटे की मौत के बाद। मुझसे पूछो शाहिना, मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। असलम के जाने के बाद मैं कितना अकेला रह गया। हम दोनों भाई एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा शरीक रहे। ऊपर से असलम के जाने के बाद अम्मा भी उसके घर चली गई। अब्बा जी, आपका बेटा आपके पास है ना, तो फिर आप अपने आप को तन्हा क्यों महसूस करते हैं? अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे बेटा, तुम तो मेरे बड़े प्यारे बेटे हो। लेकिन भाई की मोहब्बत अपनी जगह, बेटे का प्यार अपनी जगह। एक तो कॉलेज से थके आ रहे हो, ऊपर से मेहमानों के आने की गुड न्यूज, और साथ में अम्मी के दिए हुए ढेर सारे मटर भी छीलो। कभी कभी तो आते ताया अबू, वरना हमेशा हम लोगों को ही उनके घर मेहमान बन के जाना पड़ता। वैसे कितना प्यार करते ना आवाम से। वैसे प्यार तो कोई और भी करता है तुमसे, वो अलग बात है, मुंह से कुछ कहता नहीं है। नाजिर की तरफ इशारा है ना तुम्हारा? सच कहो अनीशा, मुझे तो लगता है तायाबू जल्द तुम्हारे लिए रिश्ता लाने वाला है, और मैंने अम्मी और दादी को इस बारे में बात करते हुए भी सच। जानती हूँ मैं, नाजिर की शारजा में जॉब लगने का इम्कान होगा। अच्छा है, इस छोटे से मसाइल भरे घर से मेरी जान तो छूटेगी, जहाँ दादी अम्मा के रोज रोज लेक्चर सुनते रहो। अरे भाई, मैं बाजार से होकर आ गई और तुम्हारे अभी तक मटर नहीं छिले। तुम्हारे ताया अब्बू और ताई जान आने वाली हैं, जल्दी करो। जी अम्मी, बस दो मिनट। दो मिनट, जल्दी जल्दी करो। भाई अम्मा देखिए, अब तो हद हो गई है। हम अगले हफ्ते अपनी बेटी अलीशा के लिए रिश्ता लेके आ रहे हैं बाकायदा तौर पे, बस। और मैं अब आपसे इनकार नहीं सुनूंगा। हाय हाय, मैंने कब इनकार किया है बेटा, जम जम आओ, तुम्हारी बेटी है। वैसे ताया जान, इतनी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है, आप आज ही रिश्ता दे देना। अगले हफ्ते मंगने कोई छोटा सा फंक्शन कर लेंगे, क्यों ताई अपनी, ये प्रोग्राम कैसा रहेगा? अरे बेटा बुरी बात है, बड़ों की बात भी नहीं बोलते। नहीं, कभी कभी बच्चे भी पते की बात कर जाते हैं, क्यों खली? हाँ हाँ क्यों नहीं, और खबरदार जो तुमने हमारी बेटी को डांटने की कोशिश की, वो बिल्कुल सही कह रही है जो कुछ भी कह रही है। क्यों मां? वैसे इसकी बात मेरे दिल को लगी है, क्या ख्याल है तुम्हारा जरी? अम्मी जान जैसे आप सब लोगों की मर्जी। लो भाई, मुबारक हो सबको। मुबारक हो। तो मिठाई लेके आओ, मुंह मीठा कराओ सबका। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Thank you.
माशाल्लाह बहुत प्यारा जोड़ा है, मेरी अलीशा इसे पहनकर बिल्कुल शहजादी लगेगी। अम्मी जान इसकी कीमत भी शहजादियों वाली है। अब देखिए ना, खलीक भाई ने अलीशा के हाथ में इतने सारे पैसे थमा दिए, वो भी मंगनी के जोड़े के लिए। बेटा उनकी तो अकलौती औलाद है, उनका अगर बस चले ना तो वो बादशाहों की तरह ना खजाने के मुंह खोल दे, पता है। वाह दादी, अजीब इत्तेफाक है, पहले शहजादी और शहजादे का जिक्र हुआ और अब आपने बादशाह की भी मिसाल दे दी। बड़ा शहाना अंदाज़ है मंगनी का। अरे कौन सा शहजादा और कौन सी शहजादी? भाई आपने तो अपने बेटे को बादशाह का लकब दे दिया, अब नाज़े भाई और ईशा के लिए हैरान हो रही है। अच्छा अच्छा अलीशा बेटा क्या परेशानी है, आराम से बैठ जाओ। कैसे आराम से बैठूं दादी, रीता ने कहा था वक्त पर पहुंच जाना और इधर है कि देर पे देर हो रही है। ताया अब्बू से भी फोन पे बात हुई, उनके एंड टाइम पे दोस्त आ गए और उनको घर पे रुकना पड़ा, और इसका मतलब ताया अब्बू अभी तक घर से निकले ही नहीं है। भाई दादी मैंने नहीं जाना। बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कोई हल तो नहीं है। एक तो बेचारा इतनी दूर से तुम्हें छोड़ने के लिए आ रहा है और तुम ऊपर से परेशान हो रही हो। आपको अपनी पोतियों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, सिर्फ अपनी चहेते पोतों का ख्याल है। वैसे बेटा बड़े अफसोस की बात है, मैं तुम लोगों की मोहब्बत में ना अपने बेटे का घर छोड़कर यहाँ तुम लोगों के साथ रह रही हूँ, और तुम हो कि मुझे कह रही हो कि मुझे तुम लोगों से प्यार नहीं है। बड़े अफसोस की बात है बेटा, मैं नहीं बात कर रही तुमसे। अच्छा सॉरी दादी, अगर रेशम की तबीयत खराब ना होती तो मैं आपके चहेते पोते को कुछ ना कहती। अच्छा आराम से बैठो, परेशान नहीं हो, आ जाएगा। एक काम करती हूँ दादी, मैं जाके जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, आपके चहेते पोते को वेट नहीं करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है, तुम ऐसे करो तैयार हो जाओ है और मुंह ठीक करो, खुश होके जाओ। मेरे ख्वाबों में आने वाले शहजादे, काश तुम हकीकत बनकर मेरे सामने ना आए होते। ऐसे कैसे नहीं मिलेंगे जूते? नहीं मिलेंगे जब तक 20,000 नहीं मिलेंगे। 20,000 रुपए? यार आज तो एक बात कंफर्म हो गई है, तुम बहुत जालिम लोगों में फंसे। और एक और बात भी कंफर्म हो गई है बहनों और भाइयों, एक और बात भी कंफर्म हो गई है। बोले बोले बोले। जो खूबसूरत लोग होते हैं उनके जो दिल है ना वो पत्थर के होते हैं। चले इसी बहाने आपने हकीकत तो तस्लीम की कि हम खूबसूरत हैं। हकीकत तो हम कब के मान कर बैठे हैं, कोई तस्लीम तो करे।
मेरे ख्वाबों में आने वाले शहजादे, काश तुम हकीकत बनकर मेरे सामने ना आए होते। मैं नाजिर के साथ शादी करके आम लड़कियों की तरह नॉर्मल जिंदगी गुजारती थी, लेकिन अब एक कसक, एक खलिश हमेशा मेरे दिल में कांटे की तरह चुभती रहेगी। वो तो आंखें थीं जो कह गईं सब कुछ, होंठ होते कब के मुकर चुके होते। जनाब आप चाहें हमें जितना मर्जी इग्नोर क्यों ना कर लें, आपकी ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी प्यारी प्यारी आंखें हम ही ढूंढ रहे हैं, बार बार हम ही देख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत फहमी हुई। इफ यू डोंट माइंड प्लीज एक बात कर सकता हूँ आपसे? जी। उस दिन जब आपको मैंने पहली बार देखा तो ऐसा लगा जैसे जो आप ही की तलाश थी। कुदरत को शायद मेरे जज्बों की सच्चाई भा गई और शायद इसीलिए आज हम दोनों दोबारा मिले और शायद आखिरी बार मिलाए। नहीं, हरगिज नहीं, ये तो इब्तिदा है। ये मेरा कार्ड है, अगर आपके दिल में भी वही है जो मेरे दिल में, तो कॉल जरूर कीजिएगा। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने तो आपको अपना नाम नहीं बताया। बस एक बार किसी ने आपको पुकारा था और मैंने हमेशा के लिए आपका नाम दिल में छुपा लिया। लगता है आपने डायलॉग्स में पीएचडी की ली है। नहीं, ये आपके प्यार का करिश्मा है। अलीशा जी, ये मेरे दिल की जुबान है। डायलॉग्स तो फिल्मों में होते हैं, मैंने तो बस अपने जज्बात को जुबान दी। क्या हुआ अलीशा जी, सब ठीक तो है ना? मुझे लगता है काफी बात हो गई है, अगर कोई आ गया तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाए। नहीं अलीशा, अभी तो हमने एक दूसरे के बारे में कुछ जाना ही नहीं। अच्छा, मैं आपको एक रेस्टोरेंट का नाम मैसेज कर रहा हूँ, कल 4 बजे आप मुझे वहां मिल रही हो। मुझे नहीं पता, बस प्लीज। लेकिन शायान। शायान? नाम तो वैसे मैंने भी अपना नहीं बताया था, फिर आपने कैसे पुकार लिया? मैंने भी वैसे ही पुकारा जैसे आपने मेरा नाम पुकारा था। वालेकुम सलाम।
जानती है मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रहा था। मगर मैं तो वक्त पर आई हूँ। जी जी आप तो वक्त पर आई हैं, लेकिन मैं एक्साइटमेंट में वक्त से पहले ही आ गया था। सच मुझे बहुत डर लग रहा है, असल में इससे पहले मैंने कभी ऐसा कदम नहीं उठाया। अलीशा बिना कदम उठाए तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते ना। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हमारा मिलना बहुत जरूरी था। कल आपके शादी से जाने के बाद एक लम्हे को भी मेरा वहां पे दिल नहीं लगा। सच अलीशा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। सिर्फ दो मुलाकातों में आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। कभी कभी इंसान की जिंदगी में आने वाला एक लम्हा इतना ताकतवर होता है कि वो किसी भी इंसान को एकदम बदल कर रख देता है। अलीशा आपकी मोहब्बत ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है, ऐसे जैसे मेरी जिंदगी यहीं ठहर गई है। आप ठीक कह रहे हैं शायद, मोहब्बत दिल में दाखिल होने के लिए इजाजत नहीं मांगती। इस बात का अंदाजा मुझे आपसे मिलने के बाद हुआ। अलीशा बस यही सुनना चाहता था मैं तुम्हारे से। अलीशा मैं अपने भाई और भाभी के साथ रहता हूँ, अभी अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे जॉब मिली है और तरक्की के काफी चांसेस हैं। क्या ये सब कुछ काफी होगा ना आपके पेरेंट्स के लिए? शायद अभी इतनी दूर का मत सोचे, मेरे पेरेंट्स तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल ही नहीं बल्कि एक हद तक नामुमकिन है। मेरा यकीन करो मैं आपकी अम्मी को मना लूंगा। शायद प्लीज मुझे अपनी अम्मी को मनाना पड़ेगा, वो मेरी शादी मेरे ताया के बेटे से करवा रहे हैं और अगले हफ्ते मेरी मंगनी है उनसे। दादी ये देखिए, ये सूट मैंने अपनी दोस्त के भाई की शादी पे पहना। हाँ। और यही मैं अलीशा की मंगनी पे पहना। हाँ, बहुत प्यारा है। घर में और सैकड़ों काम है और तुम्हें अपने सूट की पड़ी है। बेटा इसमें परेशानी की क्या बात है, देखो खलीक तुम्हें समझा कर गए हैं ना। ये बेटा अलीशा नहीं अभी तक आई, कहाँ रह गई है? अम्मी जान उसका फोन आया था, बस थोड़ी देर में आ जाएगी। और रेशम अब तुम्हारी तबीयत ठीक है, कॉलेज जाना शुरू कर दो। सायान ये मेरे घर में बड़ों की ख्वाहिश है और वैसे भी मुझे नाजर से कोई दिली लगाव नहीं। अब मेरी मंगनी अभी तक नहीं हुई है, मैं आज ही जाके अम्मी से बात करूंगी। इसका मतलब हम लोग एक ही कश्ती के सवार हैं? क्या मतलब? मतलब मेरी भाभी मेरा रिश्ता अपनी छोटी बहन से करवाना चाहती है, बल्कि अब तक तो वो मुझे ऐसा लगता है देवर के साथ साथ भिनोई भी महसूस करती है। तो मुझे अपनी भाभी को मनाना है जैसे आपको अपनी अम्मी को मनाना है। बीना, बीना कहाँ रह गई भाई, कहाँ हो? मैं आज अपने देवर के लिए कुछ खास अहतमाम कर रही थी, लेकिन वो है कि उसका कुछ पता पता ही नहीं है। वाह वाह, आज तो देवर जी के लिए बड़ा ही अहतमाम हो रहा है, खैरियत है? जी जनाब, आज मैंने अम्मी को कॉल करके साफ साफ बता दिया कि अगले संडे हम निमरा का रिश्ता लेकर आ रहे हैं शयान के लिए। शुक्र है वो मान गई। खैर मानी भी तो वो काफी पहले से थी। क्या मतलब है आपका, इतनी मुश्किल से मनाया मैंने अम्मी को? आपको पता है निमरा के दो चार रिश्ते पहले ही आए हुए थे, लेकिन शुक्र उन्होंने मेरा मान रख लिया। ओहो, खफा क्यों होती हो भाई? मैं तो दिल से यही चाहता हूँ कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए, मेरी और मेरे भाई की जिंदगी आसान हो जाएगी, देवरानी जेठानी की ये खिटपिट से जान भी छुटी रहेगी। देखिएगा निमरा के यहाँ आते ही कितनी रौनक हो जाएगी, मेरी बहन बहुत प्यार करने वाली लड़की है। अरे जानता हूँ बेगम साहिबा, वैसे ये शायान कहाँ पर रह गया? अमूमन इस वक्त तक तो आ ही जाता है। आप निमरा को घर आने दें, फिर देखें कैसे खूंटे से बांध के रखेगी इसे। वैसे फिलहाल एक कप चाय मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी।
प्लीज। रेशम, बाहर का दरवाजा खुला हुआ है, हालात का नहीं पता क्या? अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, खुश रहो बेटा। वैसे आज दादी को तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। तभी तुम इनकी पोती के साथ साथ बहू भी बनने वाली हो। खास करने की जरूरत नहीं। और ये इतना बड़ा डब्बा मिठाई का कौन लेकर आया? नाजिर भाई को बहुत अच्छी शारजा में जॉब मिल गई है। ओ, अच्छा अच्छा, दूसरी खुशखबरी तो सुन लो। दूसरी खुशखबरी? पता है तुम्हारे ताए अबू क्या कह रहे थे? मंगनी की बजाय अब निकाह होगा। या तो हम एक दूसरे को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएं, या फिर निकाह कर। और उसके अलावा कोई हल नहीं हमारे पास। ये क्या कह रहे हो? मेरी अम्मी मुझे जान से मार देंगी। हेलो शायान। अलीशा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बस यूं समझ लो कि मोहब्बत बचाने का सवाल आ गया। शायान, मैं भी बहुत परेशान। ऐसा महसूस होता है कि हमारी ये मोहब्बत अधूरी ना रह जाए। प्लीज मुझे कल उसी टाइम उसी जगह मिलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कल रेशम भी मेरे साथ हो, मगर फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं मिल लूं, बिकॉज आई नो मिलना बहुत जरूरी है। सुनो, एनी की तबीयत बहुत खराब है, तो उसको देखने चलें? नहीं बाबा, मेरी तो कोई हिम्मत नहीं है कहीं जाने की भी। और वैसे भी वो कौन सी इतनी खास दोस्त है तुम्हारी कि उसकी आयादत करने के लिए जाना जरूरी हो? अच्छा तो फिर एक काम कर लेते हैं, तुम यहाँ से कोई भी रिक्शा पकड़ के चली जाओ घर, मैं आ जाऊंगी एक घंटे तक बैठ के। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन आ जाना, अब ऐसा ना हो कि वहाँ बैठी रह जाओ, घर में बहुत काम है। अच्छा ठीक है, ये रजिस्टर ले लीजिए। लाफिस। रिलैक्स अलीशा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? पता है बाहर नाजिर गुजर रहे थे, अगर वो मुझे देख लेते तो? अल्लाह का शुक्र है नहीं देखा, बच गए। अच्छा मैंने जूस ऑर्डर किया है, आपके लिए कुछ ऑर्डर करूं? नहीं, मेरी तो सारी भूख प्यास मिट गई। पता है शायान, अम्मी ने मेरी मंगनी के बजाय निकाह फाइनल कर दिया है। अलीशा ये क्या कह रही हो? ऐसा हरगिज मत होने देना। मैं बहुत बेबस हूँ। कल ताया अबू आए थे घर में, सब कुछ फाइनल करके चले गए। अम्मी दादी सब बहुत खुश हैं, अब हम क्या करेंगे? ओह गॉड, ये सब क्यों हो रहा है? जानती हो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। मैं जब घर गया तो मुझे मेरी भाभी ने बताया कि वो अपनी बहन के घर मेरा रिश्ता लेकर जा रही है। आप मेरा मसला सॉल्व करने के बजाय अपने मसले सुनाना शुरू हो गया मुझे। ठीक है,
आप अपनी भाभी की बहन से शादी कर लें, मैं नाजिर से निकाह में आ जाती हूँ। ओके अलीशा रिलैक्स, मैं कुछ सोचता हूँ मैं कुछ। सिर्फ 4 दिनों, हम लोग 4 दिनों में क्या करेंगे? जब 4 मुलाकातों में हम एक दूसरे के इतना करीब आ सकते हैं कि बिछड़ने के बारे में सोचकर सांस लेना भी दुश्वार लग रहा है, तो फिर 4 दिनों में हमें कोई कैसे जुदा कर सकता है? अब हमें एक फैसला करना होगा। कैसा फैसला? या तो हम एक दूसरे को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएं, या फिर निकाह कर लें, और उसके अलावा कोई हल नहीं हमारे पास। ये क्या कह रहे हो साहब? मेरी अम्मी मुझे जान से मार देंगी, मैं इतना बड़ा कदम हरगिज नहीं उठा सकती। तो ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं कि अब हम लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हैं और एक दूसरे का नाम भी नहीं लेंगे। नहीं सायान, ऐसा नहीं कहना। तो कैसे बोलूं? अलीशा मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, लेकिन हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक यही रास्ता है हमारे पास। प्लीज अलीशा, निकाह हमारे सामने एक ऐसा मजबूत जवाब होगा जिसके सामने कोई कुछ नहीं बोल सकेगा। मेरा यकीन करो, भले वक्ती तौर पे शायद सब नाराज हो, लेकिन फिर सब ठीक हो जाएगा। भला खून भी कभी खून के बगैर रह सका है? आज अगर ये फैसला ना लिया तो अलीशा हमारी बुजदिली हमें जुदा कर देगी। तसल्ली से आराम से सोचो और मुझे सोचकर तुम बताना। अलीशा, आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। कोई जुदा नहीं कर सकेगा। अरे अम्मी जान, वो साथ का खाला को शादी में बुलाना ही या नहीं? पिछली दफा जब वो अपने घर आई थी ना, तो बहुत उल्टी सीधी बात करके गई थी आपसे। बेटा उस औरत को तो ना सिवाय एतराजात करने के और कुछ नहीं आता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में आते ही हैं लोगों को तंग करने के लिए। हरी अलीशा तुम आ गई। बेटा एनी की तबीयत कैसी थी? बेहतर है। बेटा यहां तो आओ मेरे पास। बेटा बिस्मिल्लाह करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है, देखो जरा। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। मैं कितने अजीब दौर आहे पर आकर खड़ी होगा। पता नहीं शायान से निकाह के बाद सब कुछ ऐसा ही रहेगा जैसे अभी है।
आती मुझे माफ कर देंगे क्या? क्या अम्मी शायान को दामाद मानकर इसे गले से लगा लेंगे? क्या मैं ताया अबू की मोहब्बत खो दूंगी? अबू के मरने के बाद कितना ख्याल रखा है इन्होंने सबका। और नाज़िर, उनके दिल पर क्या गुजरेगी? लेकिन मैं शायान को खोकर भी खुश नहीं रह सकूं। वो ठीक कह रहे, खून कभी खून से जुदा नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम लोग जुदा हो गए तो फिर कभी भी नहीं मिल पाएंगे। शायान, अलीशा प्लीज मुझसे ऐसी कोई बात ना करना जिससे मेरा दिल टूट जाए। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं तैयार हूँ। अलीशा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। कल मैं अपने दोस्त के घर पे निकाह का अरेंजमेंट करूंगा, तुम्हें एड्रेस सब कुछ समझा दूंगा, तुम पहुंच जाना। अल्लाह हाफिज़। अलीशा, परसों तुम्हारा निकाह है, अम्मी के इतने कहने के बावजूद भी तुमने यूनिवर्सिटी से छुट्टी नहीं ली। मैंने तुम्हें बताया है ना कि आज मेरा बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, मैं मिस नहीं कर सकती। और वैसे भी तुम्हें तो बहाना चाहिए छुट्टी करने का। मैं अम्मी की ताबेदार बेटी, इससे छुट्टी नहीं कर सकती। अब देखो ना कितने काम पड़े, मुझे ही हेल्प करवानी होगी। रिशम प्लीज, ये निकाह रुका दो, मैं नाज़िर से शादी नहीं कर सकती। ये क्या कह रही हो, परसों तुम्हारा निकाह है, क्यों नहीं करनी नाज़िर भाई से शादी? यार, मेरी भी अपनी कोई पसंद ना पसंद है, मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहती हूँ, अम्मी और दादी की पसंद से नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये रिश्ता भी तुम्हारी मर्जी से ही हुआ था ना, तो एकदम से अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? कैसी हो तुम, तुम्हें अपनी बहन के जज्बात और एहसास का जरा भी ख्याल नहीं है? ज्यादा बकवास नहीं करो, जब ताया अबू रिश्ता लेकर आए थे तो बहुत शर्मा रही थी नाज़िर भाई के सामने। वो जज्बात और एहसास मैंने तुम्हारी आंखों में देखे थे। वो एहसास और जज्बात नहीं थे, वो वक्त के साथ समझौता था। अलीशा, खबरदार जो तुमने कोई उल्टी सीधी बात की, पहले भी समझौता किया था, अब भी समझौता करो। तुमसे तो कोई बात करना भी फजूल है। कहाँ जा रही हो बेटा? यूनिवर्सिटी। क्यों, आज भी? क्या कुछ जरूरी काम है? अपने कमरे में जाओ वापस। नहीं, वो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, 2 बजे तक वापस आ जाऊंगी मैं दादी। अलीशा, मैंने तुम्हें मना किया यूनिवर्सिटी जाने से, मेरी बात नहीं मानोगी? मम्मी, मैं 2 बजे तक वापस आ जाऊंगी, बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, मैं मिस नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, मगर जल्दी आ जाना, बहुत सारे काम पड़े मुझे, तुम्हारे से बाजार जाना है। जी मम्मी, अल्लाह हाफिज़। क्यों इजाजत दी तुमने? अम्मी जान, थोड़े दिनों की तो मेहमान है, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, हो सकता है जरूरी लेक्चर हो। पहले इजाजत देती है, फिर परेशान होती है। पता नहीं अलीशा निकाह के लिए तैयार होगी या नहीं, कुछ लोग जिंदगी भर साथ रहकर भी साथ नहीं होते, कुछ महज चंद मुलाकातों में ही दिल के इतने करीब हो जाते हैं कि उनके बिना सांस लेना भी दुश्वार लगता है। इसकी शक्ल देखिए,
कैसा पीला पड़ गया इसका रंग। निकलो मेरे घर से। ऐसी लड़कियों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं। निकलो।